नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्लासेस में। और मैं आज आपके साथ एक बार फिर हरीश कुमार शर्मा उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपात और समानुपात, यानी अंग्रेजी में बोल देते हैं क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी रेशियो एंड क्या, पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, ये जो आपका टॉपिक है ना, अनुपात और समानुपात, ये अपने या आपके जीवन में इतना बड़ा महत्व रखता है कि इससे ही लिंक हैं लगभग अर्थमेटिक के टॉपिक। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तुमको या अब तक की जो आपने क्लास ली है उनमें देखने के लिए मिलता है जी कि अनुपाती वैल्यू, एक पर वैल्यू इतनी होती है जी, दो पर कितनी होगी कि तीन पर कितनी होगी, इनकी सबकी जो शुरुआत होती है वो अपने आप में कहाँ से होती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही होती है। तो अनुपात और समानुपात का काम जो पड़ेगा आपको, टोटल ब्याज के अंतर्गत साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साझा, मिश्रण, इन सब में आपको अनुपात और समानुपात देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हमारी जो आज की क्लास होगी उस क्लास में अनुपात और समानुपात के बारे में हम आपको डिटेल देंगे टोटल, कि अनुपात का मतलब क्या है, समानुपात का मतलब क्या है। हम आपको क्वेश्चन तो आज की वीडियो में नहीं करा पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अनुपात और समानुपात की वास्तव में डेफिनेशन हम आपको बता देंगे कि अनुपात का मतलब क्या होता है और समानुपात का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट कि जी अनुपात, पहला पॉइंट है इसका कि अनुपात हम किसे कहते हैं, यानी रेशियो का मतलब क्या होता है। देखिए रेशियो जो होता है बेटा, ये अपने आप में ये संबंध होता है, क्या होता है, ये संबंध होता है। रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, ये अपने आप में संबंध होता है, और ये दो या दो से अधिक राशियों के बीच में एक संबंध होता है, और दो या दो से अधिक राशियों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जो एक ही बात कहता है कि एक राशि दूसरे की कितनी गुनी है। यानी अनुपात जो है वो दो या दो से अधिक राशियों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जो एक ही बात कहता है कि एक राशि दूसरे की कितनी गुनी है। अनुपात कभी भी ये नहीं कहता है कि इसके लिए फिक्स वैल्यू इतनी है, इसके लिए फिक्स वैल्यू इतनी है, केवल ये बताएगा कि एक मान दूसरे का कितना गुना है। जैसे हम बात करते हैं कि जी अनुपात का सिंबल क्या है, अनुपात का प्रतीक क्या है, तो बेटा अनुपात का प्रतीक आपका ये होता है, समझ रहे हो, अनुपात का प्रतीक आपका ये है। अगर ये प्रतीक अगर किन्हीं दो या दो से अधिक नामों के बीच में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उन राशियों के बीच में ऐसा संबंध क्या है कि एक मान दूसरे का कितना गुना है। तो दो या दो से अधिक राशियों के बीच जो आपस में संबंध स्थापित होते हैं कि वो संबंध ये बताते हैं कि एक मान दूसरे का कितना गुना है, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब अनुपात कहते हैं तो जरा देखिए कि अनुपात की क्या क्या कंडीशन होती है, आपके क्या क्या चरण होते हैं, कहां से इसकी वास्तव में शुरुआत करनी चाहिए और कहां पर जाकर के इसका एंड करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। देखिए पहले पॉइंट पर अगर हम ध्यान देते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि भाई अनुपात में रिलेशन जो होते हैं उनका अर्थ क्या होता है क्वेश्चनों में, कि रिलेशन जी पहला का दूसरे से संबंध है अनुपात के रूप में, यानी एक जो है दूसरे का इतना गुना है, दूसरा जो है तीसरे का इतना गुना है, तीसरा जो है चौथे का इतना गुना है, तो बताइए पहला जो है वो चौथे का कितना गुना है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि जैसे कह दिया गया कि तीन संख्याएं या तीन नाम है ए बी सी, और जो उनका अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी, और कह दिया गया जी एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में ये संबंध रखते हैं, लेकिन इनका जो बेटा संबंध है वो अपने आप में आयु के बारे में, किसके बारे में, या आयु के बारे में कह दीजिए, या हम कह दें कि इनकम के बारे में, किसके बारे में, इनकम, यानी आय का संबंध है, क्या है, आय का संबंध। यानी ए बी और सी ये तीन व्यक्ति हैं और ये अपनी इनकम जो करते हैं वो एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में करते हैं। यानी एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात का कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ए से बी जो है वो दोगुना कमाई करता है और ए से सी जो है वो कितना करता है, तिगुना कमाई करता है। अब कहा गया जी इन्होंने पैसे की कमाई की, और पैसे की कमाई करने के बाद में यहां से स्थिति ये निकल करके आई दोस्तों कि इनका जो टोटल कमाई है वो अपने आप में मिला करके 600 रुपए इकट्ठी हुई। अब ये पूछा जाए जी बताइए प्रत्येक की कमाई अपने आप में कितनी है, प्रत्येक की इनकम जो है वो अपने आप में कितनी है। तो हमने यहां पर देखा दोस्तों कि रियल में इसकी जो टोटल वैल्यू है कि वो 600 रुपए है, कितनी है रियल में टोटल वैल्यू। अब इनका जो रेशियो है वो 1:2 कितना है, 3 है। तो यहां पर हम ये कहें कि भाई अनुपात में इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि भाई 1 और 2 3 और 3 6,
तो इसका मतलब यह हुआ कि जब रेशियो में देखिए अनुपात पर कभी भी एक जैसी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कह दिया गया कि ए और बी है, इन दोनों के बीच की आयु के बारे में हम बात करते हैं, तो ए जो है वो 10 साल का है और बी जो है वो 20 साल का है। या हमने कह दिया कि ए और बी के बीच में जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 1:2 है। कितना है? 1:2। तो हम यहां पर दोस्तों केवल इतना कह सकते हैं कि आयु में ए से बी जो है यहां पर दुगना है, लेकिन हम फिक्स ये नहीं कह सकते हैं कि ए 1 वर्ष का है और बी जो है यहां पर कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। ए अपने आप में कितने भी वर्ष का है लेकिन उससे दुगने वर्ष का है कौन? बी। अगर मान के चलिए कि ए 10 वर्ष का है तो बी यहां पर 20 वर्ष का है। अगर मान के चलिए कि ए जो है 20 वर्ष का है तो ये यहां पर 40 वर्ष का है। अगर ये 30 वर्ष का है तो ये कितने का है? 60 का है। तो एक बात बताइए कि अनुपात का मैंने तुम्हें अभी तात्पर्य बताया कि अनुपात जो है वो दो या दो से अधिक राशियों के बीच में एक संबंध होता है और एक ऐसा संबंध होता है जो एक ही बात बताता है कि एक मान दूसरे का कितना गुना है। तो यहां पर पहले मान से जो दूसरा मान है वो हर कंडीशन में दोगुना है। जैसे हमने देखा 10 × 10 और 10 × 20, हमने देखा 20 × 20, 20 × 2 क्या हुआ? 40। हमने देखा 30 × 30, 30 × 2 कितना हुआ? 60। तो ये देखिए कि किसी भी अनुपात में अगर हम एक जैसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो हमारे इस अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी पहले मान से दूसरा मान यहां भी दुगना है, पहले मान से दूसरा मान यहां भी दुगना है, पहले मान से दूसरा मान यहां भी दुगना है, यहां भी दुगना है। तो एक जैसी संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात पर कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। बात आ रही है या नहीं आ रही है समझ में? तो जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यहां पर आपको दे रखा है कि जी ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात है वो 1:2:3 है, जबकि इनकी जो कमाई होती है यानी जो इनकी इनकम है वो मिलाकर के 600 होती है। तो जी बताइए प्रत्येक का भाग अपने आप में कितना हुआ? तो आप देखेंगे जी अगर हम अनुपात का टोटल करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया मान है, हमारे द्वारा बनाई गई वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हम इसको तब्दील भी कर सकते हैं। तब्दील हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अनुपात में जब एक जैसी संख्या से गुणा भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मान के चलिए कि अगर हम इसमें 10 की गुणा करते हैं तो 10 × 10, 10 × 20, 10 × 30 हो जाएगा। लेकिन ये एक तरीके से मानिए कि हमारे द्वारा माना गया माने, हम चाहे इसको जितना बड़ा कर सकते हैं चाहे हमें जितना छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको ध्यान में रखते हैं तो हम कहेंगे जी 2 और 1 3 और 3 6। यानी जब अनुपात में टोटल वैल्यू 6 होती है तो उस पर रियल मान कितना होता है? 600 रुपए। तो यूनिट वैल्यू बेटा 1 होगी, यानी 1 वैल्यू पर हमारा अनुपाती मान 1 पर ये मान कितना होगा बेटा? 100 रुपए। अब अनुपाती मान जो ए है यहां पर बेटा कितना रखे हुए है? 1 है, तो 100 रुपए तो बेटा इसके हिस्से में आए। और बेटा बी जो है अनुपाती मान कितना रखा हुआ है? 2, तो बेटा 200 रुपए इसके हिस्से में आए। और अनुपाती मान बेटा सी जो है वो कितना रखा हुआ है? 3, तो बेटा 300 रुपए इसके हिस्से में आए। आए या नहीं आए? मिलाकर के आपने देखा कि 100, 200, 300 कितने हो गए? 600 हो गए। अगर हम इस क्वेश्चन को और बड़ा करते हैं, हमने बोला कि ये हमारे द्वारा एक तरीके से माना गया मान है, चाहे वो बेशक दिया हुआ है, क्योंकि हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार सभी को एक साथ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ए बी और सी के बीच में जो अनुपात है वो कितने का है? 1:2:3 का है जी। अब हम यहां पर कहने लगे जी इनकी जो इनकम होती है मिलाकर के वो 600 रुपए होती है। कितनी होती है? 600 रुपए होती है। अब 600 रुपए इनकम यहां पर होती है तो हमने देखा जी अनुपात में एक जैसी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई प्रभाव क्या नहीं पड़ता है। तो हमने 10 का गुणा किया जी, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 दिया कितना हो गया? 30। अब हमारा ये मान आ गया जी 10, 20, 30 के रेशियो में, तो हम कहेंगे जी अब टोटल वैल्यू कितनी है कि 10 और 20, 30 और 30 कितना? 60। तो 60 अनुपाती मान पर रियल में वैल्यू 600 रुपए होती है। तो 1 पर हमारी कितनी होगी? 60 रुपए होगी। जब बेटा 1 पर 60 रुपए होगी तो यहां कितना है? हाँ सॉरी, 1 पर बेटा कितनी होगी? 10 रुपए। तो 1 पर 10 होगी तो यहां 10 पर बेटा कितनी होगी? 100 रुपए। यहां बेटा 20 पर कितनी होगी? 200 रुपए। और यहां बेटा 30 पर कितनी होगी? 300 रुपए। तो आप देख रहे होंगे कि जितना अनुपात आपका बड़ा होगा, समझ रहे हो, उतना ही यूनिट वैल्यू पर उसकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। पहले यहां पर 6 था तो 60 आ रही थी, अब यहां पर कितना है? 60 है तो कितनी आ रही है? 10 आ रही है। अगर आप इसे और बड़ा करेंगे तो 1 यूनिट बराबर और कम के आएगा। तो जैसे जैसे हम अनुपात को बढ़ाएंगे उसी तरीके से अगर हमारी रियल वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो यूनिट वैल्यू पर रियल वैल्यू क्या होगी? घटेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप कहीं से भी इस कंडीशन को क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर आपने देख लिया कि अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है एक जैसी संख्या से गुणा या भाग। क्लियर बेटा बात? इसके बाद देखिए, तो बेटा ये कंडीशन रही आपकी योग के मैटर में। अब कभी कभी क्या मिल जाता है जी? अंतर के रूप में तुम्हें स्थितियां मिल जाती हैं। अब अंतर के रूप में स्थितियां मिलती हैं, कहते हैं जी ए और बी जो है ना, दो लोग जो है वो इनकम करते हैं और इनकम जो करते हैं वो 12:19 के अनुपात में करते हैं। क्या करते हैं? 12:19। लेकिन इनके बीच में जो इनकम का अंतर है ना वो अपने आप में 70 रुपए का है। तो बताइए जी प्रत्येक की इनकम कितनी है?
तो ये आपको पता है कि जी 12 मान अनुपात में इसका ए का और 19 मान जो वो किसका है बी का, तो कमाई तो ज्यादा किसकी हो रही है बी की और कमाई कम किसकी हो रही है ए की। अब हमने देखा कि जी वास्तव में इनका अंतर 70 रुपए के बराबर दे रखा है, तो अनुपात में इनका अंतर जो है 19 - 12 कितने के बराबर हुआ, 7 के। तो जब 7 का मान जो है वो रियल में 70 के बराबर है तो एक यूनिट पर वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए। तो इसका कितना है अनुपात में मान, 12, तो 12 दाम कितना हुआ बेटा, 120। और बेटा 19 पर कितना हुआ, तो बेटा 190 रुपए इसके हिस्से में आए और 120 रुपए इसके हिस्से में आए, यानी ए के हिस्से में 120 रुपए और बी के हिस्से में कितने आए, 100। तो ये आपने अंतर का खेल देखा। अब अंतर के बाद में आपका जो तीसरा पॉइंट आता है बेटा, वो निकल करके आता है जी अंतर नहीं है बल्कि क्या है, गुणा है। क्या है, गुणा। जैसे कह दिया गया जी ए अनुपात बी है, इन दोनों के बीच में जो अनुपात है ना ए और बी के बीच में, वो कहने लगा जी एक अनुपात कितना है, 5 है, एक अनुपात कितना है, 5। लेकिन ये दोस्तों कहता है कि इनके बीच में अगर हम गुणा करने के लिए जाते हैं तो इनका गुणनफल 500 बैठता है। तो जी बताइए ए का मान उसमें कितना है और बी का मान उसमें कितना है, यानी समझ रहे हो आप कि ए और बी का जो अनुपात है वो 1:5 है, जबकि इनकी आपस में गुणा करने के लिए जाते हैं तो इनका गुणनफल जो है वो कितना होता है, 500 होता है। तो बताइए जी ए का और बी का मान अलग अलग कितना है। तो देखिए आपको ये गुणनफल जो है वो 2 संख्याओं का दे सकता है, आपको गुणनफल ये 3 संख्याओं का दे सकता है, 4 का दे सकता है, 5 का दे सकता है, कितना भी दे सकता है। आपको क्या करना है कि जो आपका गुणनफल में मान दे रखा है, यानी गुणनफल में आपका मान कितना दे रखा है बेटा, 500। अब जो अनुपात है उसका आप गुणा करें, गुणा कर दिया हमने 1:5, और अनुपात के गुणनफल का उस रियल गुणनफल में भाग करके आप वर्गमूल लें, तो आपका रूट में कितना आया, ये 100 आया, 100 का वर्गमूल कितना आया, 10। अगर आपकी 2 बार गुणा हो रही है, यानी ए और बी 2 संख्या है, 2 बार गुणा हो रही है तो वर्गमूल लें, अगर 3 बार गुणा हो रही है तो क्यूब रूट लें, अगर 4 बार गुणा हो रही है तो चतुर्थ मूल लें, तो आपका अनुपाती मान 1 पर ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी जी, कितनी हो गई, 10 हो गई। जब जी ये 1 पर 10 है तो 5 पर कितनी हो गई जी, 50। अब आप यहां पर देखेंगे जी इनकी आपस में गुणा कर दी जाए तो ये मान कितना हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा। तो आप मुक्ति ले सकते हैं, यानी किस तरीके से कि अगर अनुपात का मान अब तक आपने जैसे पढ़ रखा है जी प्लस माइनस में तो हमको पता है, लेकिन उसमें फिर हमको एक्स वाई जेड ये मानना पड़ता है, नहीं कोई मानने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 मान हो, चाहे आपके 3 मान हो, चाहे आपके 4 मान हो, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हम कहने लगे जी ए अनुपात बी अनुपात सी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बेटा 2:3 और ये कितना है, 4, कितना है, या 1:2:3 कह दिया, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब क्या देखने के लिए मिला जी, जब हम इनकी आपस में गुणा करते हैं तो आपस में गुणा करने पर ये गुणनफल जो है वो कितना आता है, 48 आता है। तो ये पूछने लगा जी बताइए ए बी सी के अलग अलग मान जो है वो अपने आप में क्या होंगे। तो दोस्तों यहां पर अब ये 3 बार गुणा दे रखा है आपको, तो आप अनुपात का भी 3 का गुणा कर लें, कर लिया। अब 3 है अगर अनुपात में मान, तो अब यहां पर क्या लें, क्यूब रूट लें, यानी तृतीय मूल लें, तृतीय मूल लें आप, तो तृतीय मूल लेंगे तो बेटा अंडर रूट में ये 3 करनी चिन्ह, यानी 3 × 2 = 6 कितना हुआ, 48, और 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल जो आएगा वो कितना आएगा, 2। तो अनुपाती मान 1 पर ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 के बराबर। जब 1 पर ये 2 के बराबर होगी तो बेटा 2 पर कितने के बराबर, 4 के, और 3 पर कितने के बराबर, 6 के। अब आप इनकी आपस में गुणा करके देख सकते हैं, अगर आप आपस में गुणा करके देखेंगे तो गुणा करने पर 2 × 4 = 8 और 8 × 6 कितना हो जाएगा, 48, जो कि आपको यहां पर दे रखा है। समझ गए ना आप मेरी बात है, अगर आपको 4 मान दे रखे हैं, 4 की अगर गुणा करता है तो आप चतुर्थ मूल ले दें, है ना। जैसे कह दिया गया जी 2 × 4 × 8 × 16, 16 का चतुर्थ मूल कितना हुआ, 2 ही तो हुआ 4 बार गुणा करने के बाद में, तो 4 मानों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, 5 मानों के लिए आप कर सकते हैं, तो इस बात से हम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बात बिल्कुल क्लियर। 3 पॉइंट आपके हो गए। अब इसके बाद में बेटा आता है चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट होता है कि जी अनुपात में आपको बहुत सारी वैल्यू दी हुई होती है, और अनुपात में बहुत सारी वैल्यू दी हुई होती हैं, और उनमें से किसी भी एक मान का रियल में मान दे रखा होता है, तब वो कहता है कि जी बताइए बाद बाकी के मानों का क्या संबंध है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ, ठीक है, ये बेटा 1:2:3:4:5 कितने में हुआ, ये 6 में। अब यहां पर कहने लगा जी डी का मान जो है ना, डी का मान रियल में यहां पर वो जो है वो 400 के बराबर है, कितने के बराबर है, 400, यानी 400 के बराबर है किसका मान, डी का। तो अब आप देखेंगे जी अनुपात पर अगर हम नजर डालते हैं तो अनुपात में डी का मान जो है वो 4 है, और रियल में 4 पर डी का मान कितना है, 400। तो जी हम कहेंगे जब अनुपात में 4 है तो रियल में कितने के बराबर है बेटा, 400 के, तो अनुपात में बेटा 1 होगा तो रियल में कितने के बराबर होगा, 100 के होगा या नहीं होगा। तो अनुपाती मान 1 पर 100, अनुपाती मान 2 पर कितना हुआ, 200, 3 पर कितना हुआ, 300,
चार पर कितना हुआ 400, पांच पर कितना हुआ 500, छह पर कितना हुआ 600। तो ये सबके मान अपने आप में क्या हो गए, अलग अलग हो गए या नहीं हो गए, ये बताइए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। गर्मी ज्यादा है, कोई नहीं, लेकिन सदैव ध्यान रखो कि अगर आपको कभी भी इंटरेस्ट आता है ना किसी में, ना तो वहां गर्मी लगती है, ना धूप लगती है, ना ठंड लगती है, कुछ भी नहीं लगता। और जहां पर तुम्हें लगता है ना कि बोरियत हो रही है या हमको ऐसा फील सा हो रहा है कि आनंद नहीं आ रहा है, वहां पर ये सब चीजें महसूस होती हैं। लग तो सब बिल्कुल, यानी जब आप एक डिप्रेशन में, आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी, चाहे आप एसी में रह लें चाहे किसी में भी रह लें, प्रॉब्लम आपको वहां पर आएगी। अगर आपका मूड फ्रेश है, आपको लग रहा है कि हमको इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई गर्मी गर्मी का मतलब ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रहता है कि भाई हमारा क्या हो रहा है। केवल हमारा कंसंट्रेट जो रहता है वो किस पर रहता है, जो नहीं बोर्ड से मतलब नहीं है, जिस पर आपका फोकस है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ बोर्ड पर है, बाद बाकी आपका फोकस कहाँ है वो उस बात पर डिपेंड भी तो करता है भाई। तो देखिए अगला पॉइंट देखिए, अब हमें क्या देखने के लिए मिलता है बेटा, कि कभी कभी देखने के लिए मिलता है कि जी ए का अगर दो गुना कर दिया जाए, जरा ध्यान से देखना, ए का अगर दो गुना कर दिया जाए, बी का जो है बेटा वो तीन गुना कर दिया जाए, और सी का जो है बेटा वो कितना गुना कर दिया जाए, चार गुना, तो ये मान आपस में बराबर बैठते हैं। यानी हमने क्या बोला कि ए का दो गुना और बी का तीन गुना और सी का क्या है चार गुना, अगर आपस में कर दिए जाते हैं तो ये मान तब जाकर के आपस में क्या बैठते हैं, बराबर होते हैं। अब ये बराबर होते हैं तो पूछने लगता है जी बताइए कि जी बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ये तो मान बराबर में दे रखे हैं कि जी ए का दो गुना बराबर बी के तीन गुने के और बराबर सी के चार गुने के। तो ये पूछ रहा है जी बताइए ए बी सी का परस्पर आपस में जो संबंध है वो अपने आप में क्या है अनुपात के रूप में। तो दोस्तों जब कभी भी आपको ये बराबर में वैल्यू दे रखी है ना, अगर ये आपको अनुपात में कन्वर्ट करनी है, रेशियो में ये आपको कन्वर्ट करनी है, तो आप इनको जो कोई भी आपके वेरिएबल हैं उनके गुणांक कोफिशियंट को आप इन्वर्स करके लिखें, यानी दो बटा एक को आप क्या लिखते हैं, तीन बटा एक को आप कितना लिखते हैं, एक बटा तीन, चार बटे एक को बेटा कितना लिखते हैं, एक बटा चार। अब किसी भी अनुपात में एक जैसी संख्या से गुणा भाग करने पर कोई प्रभाव, तो बेटा दो तीन और चार का लास आ गया आपका बारह, और बारह से अगर हम गुणा करते हैं तो दो छक्के बारह, तीन चौक बारह और चार तिया, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, छह चार तीन। देखो आपको दिखाते हैं, ए का दो गुना यानी छह दूनी, बी का तीन गुना चार तिया, और सी का चार गुना तीन चौक, तो आपस में बराबर है या नहीं है। तो अगर आपका कोई भी स्थिति में दिखता है कि वैल्यू ये हमको बराबर में दे रखी है, और जी बताइए इनका मान रेशियो में क्या होगा, तो आपके जितनी भी वैल्यू दे रखी है आप उनको क्या कर सकते हैं, कोफिशियंटों को, यानी जो आपके वेरिएबल हैं उनके कोफिशियंटों को आप क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, और इन्वर्स करने के बाद में उस रेशियो को आप क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। और सरल करता है कि जी वो कितने से कैंसिल आउट हो रहा है और क्या क्या स्थितियां आपके साथ में हैं, समझ रहे हो। अब बेटा अगला पॉइंट आता है कि अनुपात के रूप में एक राशि का दूसरी राशि से संबंध, दूसरी राशि का तीसरी राशि से संबंध, और तीसरी राशि का चौथी राशि से संबंध, बताइए जी परस्पर आपस में इनका अनुपात के रूप में क्या संबंध है एक दूसरे से। तो देखिए जैसे कहने लगा कि जी ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर हमने बोला कि जी तीन अनुपात चार है, ठीक है। अब हमने बोला जी बी अनुपात सी, कितना बोला बी अनुपात सी, कि जी ये जो अनुपात है वो तीन अनुपात पांच है, ठीक है। अब यहां पर पूछने लगा दोस्तों कि बताइए जी ए बी और सी का जो अनुपात है वो अपने आप में क्या है, ये बात आई निकल कर कि जी ए और बी का अनुपात जो है वो तीन अनुपात चार है जी, बी और सी का जो अनुपात है जी वो कितना है, तीन अनुपात पांच है, तो बताइए जी परस्पर ए बी सी का जो अनुपात है वो अपने आप में क्या है, यही तो क्वेश्चन बनकर के तैयार हुआ। अब देखिए यहां पर आपने देखा कि ए के साथ में बी जो संबंध बनाता है ये अपना मान चार लेते हुए बनाता है, और बी जो है वो सी के साथ में जो संबंध बनाता है बी अपना मान या तीन लेते हुए बनाता है। अगर हमें इनका आपस में संबंध बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का संबंध जो है ए के साथ में जिस मान को लेते हुए है वही बी का संबंध जो है वो सी के साथ में उसी मान को लेते हुए होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इनमें झगड़ा चलता ही रहेगा। तो अगर हम इनको ज्वाइंट करना चाहते हैं, ज्वाइंट नहीं कह सकते हैं, या इनको आप कंबाइन करना चाहते हैं, इनको अगर आप मिलाना चाहते हैं, तो बी को तुम्हें यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक जैसा। जब एक जैसा करना पड़ेगा तो आप देखेंगे जी तीन की गुणा अगर हम इस पूरे अनुपात में कर दें तो तीन थी नौ और तीन चौक बारह, अगर हम जी चार की गुणा इस अनुपात में कर दें चार थी बारह चार पंजे बीस, क्योंकि एक जैसी संख्या से गुणा करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और भाग करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप देखेंगे जी इन दोनों मानों में बी का मान कितना हो गया बारह, ए का मान कितना हो गया नौ, और सी का मान कितना हो गया बीस, तो हम जी कहेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है जी वो कितना हो गया नौ बारह और कितना हो गया बीस,
तो 9:12 कितना हो गया 20। लेकिन ये इसका एक जनरल तरीका है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन वास्तव में सॉल्व होता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसको डायरेक्टली आपको कैसा करना है कि अगर पहली राशि का दूसरी राशि से संबंध, दूसरी राशि का तीसरी राशि से संबंध है और पूछने लगे दोस्तों के बताइए तीनों राशियों का परस्पर आपस में क्या संबंध है, तो आप तीनों राशियों को लिख लें। जैसे एबीसी को आपने यहां पर लिख लिया, एबी के नीचे एबी यानी 3-4 आपका ये है ये, और बीसी के नीचे बीसी यानी 3-5 आपका ये रहा, ठीक है। और बेटा इस स्ट्रक्चर को देख लें, इसकी गुणा इसके साथ, बेटा इसकी गुणा इसके साथ, और बेटा इसकी गुणा इसके साथ, यानी बेटा 3 3 9, 3 4 12 और 5 4, तो बेटा इनके बीच में जो रेशियो में जो आएगा संबंध वो 9:12:20, यानी नोट करना है आपको या मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। एक और एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जी, एक और एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि अब क्या हुआ कि ए अनुपात बी बराबर 2:7 और बी अनुपात सी बराबर 5:9। अब ये पूछने लगा जी बताइए ए बी और सी का अनुपात आपस में क्या होगा, ठीक है, यानी ए बी और सी के बीच में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप ए बी और सी आप लिख सकते हैं, ए बी के नीचे ए बी 2:7, बी सी के नीचे बी सी 5:9। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 का 2 के साथ संबंध और 5 का 7 के साथ संबंध, 5 × 2 = 10 + 7 और 9 × 7, तो कुल मिला के 10:35 कितना हो जाएगा 63, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां तक समझ में आ गया तो ये तो अभी तक पहली का दूसरी से संबंध, दूसरी का तीसरी से संबंध रहा, लेकिन पहली का दूसरी से संबंध, दूसरी का तीसरी से संबंध और तीसरी का चौथी से भी संबंध हमें देखने के लिए यहां पर मिल जाता है और चौथी का पांचवी से भी संबंध देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैं बात करता हूं कि जी ए अनुपात बी बराबर 1:2 जी, बी अनुपात सी बराबर 3:4 जी और सी अनुपात डी बराबर 2:1, ठीक। और ये पूछने लगा जी बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है वो कितने के बराबर होगा, सही है, यानी पहली राशि का दूसरी से संबंध, दूसरी का तीसरी से संबंध और तीसरी का, तो बताइए जी परस्पर आपस में इनका अनुपात के रूप में क्या संबंध होगा, समझ रहे हो। तो देखिए दोस्तों ए बी सी और ये डी, ये आपके 4 नाम है, लेकिन पहली क्रिया आपको जो करनी है वो 3 नामों को लेते हुए। जैसे अभी मैंने बताया ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, यानी 3-4 है ना। तो यहां पर पहली क्रिया आपको केवल यहीं तक करनी है कि जी जो स्ट्रक्चर अभी बताया है मैंने उसी को, 3 × 3, 3 × 6, 4 × 8, ये यहां तक काम पूरा हो गया। अब बचा कौन आपका, सी और डी। अब सी डी को आपने ले लिया, सी के नीचे 2, डी के नीचे कितना 1। अब फिर आगे के लिए सेकंड प्रोसेस कर देनी है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी, यानी 2 के ऊपर जितना भी है और उससे लेफ्ट में जितने भी है उन सबके साथ गुणा। टोटल क्रिया इसी प्रकार से तुम्हें आगे बढ़ानी है। 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 8 × 1 = 1। तो बेटा अभी इसको और सिंपल किया जा सकता है, और सरल किया जा सकता है, 2 से भी हो जाएगा। 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 4, तो 3, 6, 8 और 4 इनका क्या हो जाएगा अनुपात। आगे बात समझ में या नहीं आई, क्लियर है यहां तक, क्लियर है, नोट करना है या मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब बेटा नाम आता है क्या, समानुपात, क्या आता है, प्रोपोर्शन। देखिए समानुपात के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समानुपात का मतलब होता है जी समधन के अनुपात, क्या होता है, समधन के, तो समधन के अनुपात होता है, तो सम माने होता है समान और अनुपात माने अनुपात। जब 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में समान होते हैं तो उनको कहा जाता है जी समानुपात। इसका सिंबल अगर हम बात करते हैं यानी इसका प्रतीक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये प्रतीक होता है, या फिर बराबर लगा सकते हैं आप, इक्वल लगा सकते हैं, यानी जब 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में समान होते हैं तो जी कहा जाता है कि ये आपस में क्या है, समानुपात है। और अनुपात एक ही बात कहता है कि एक मान दूसरे का कितना गुना है। अब मान के चलिए कि मैंने यहां पर पहली और दूसरी राशि ली और मैं कहने लगा जी ए और बी का अनुपात जो है वो क्या है, 1:2 है, लेकिन मैंने तीसरी और चौथी राशि ली वो क्या है, 10:20 है। तो हमने आपको बताया कि अनुपात एक ही बात कहता है जी, क्या कहता है कि एक मान दूसरे का कितना गुना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले मान से दूसरा मान 2 गुना है, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जी पहले मान से दूसरा मान क्या है, 2 गुना है, आप समझ रहे हो। तो यहां पर ये दोनों अनुपात क्या है, समान है।
तो इनके बीच में हम क्या लगा सकते हैं, समान अनुपात। अगर समान अनुपात लगा सकते हैं और आपको ये चेक करना है कि ये अनुपात समान है कि नहीं, तो आप बेटा अंदर की गुणा अंदर और बाहर की गुणा बाहर कर सकते हैं। अगर अंदर की गुणा अंदर और बाहर की गुणा बाहर करने पर अगर आपको मान समान प्राप्त होता है तो आप कह सकते हैं कि ये अनुपात कैसे हैं, समान है। तो एक की गुणा बीस के साथ में तो एक गुणा बीस, और दो की गुणा दस के साथ में तो कितना हो गया, बीस। तो बीस बराबर, तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये अनुपात आपस में क्या है, समान है। तो कभी भी आपको ये पहचान करनी है कि ये अनुपात आपस में समान है कि नहीं है, तो आप अंदर वाले पद की गुणा अंदर वाले पद के साथ और बाहर वाले पद की गुणा बाहर वाले पद के साथ कर सकते हैं। और अगर करने पर हमें ऐसा मान बराबर प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि ये अनुपात आपस में क्या है, समान है। जैसे एक और बार दिखाता हूं कि ए अनुपात बी बराबर सात अनुपात पांच है और सी अनुपात डी बराबर सात अनुपात तीन है, और ये पूछा गया, या पांच अनुपात तीन है, आपसे पूछा गया जी बताइए ये अनुपात समान है कि नहीं है, तो हम अंदर की गुणा अंदर और बाहर की गुणा बाहर करेंगे, तो बेटा सात तीन इक्कीस और पच्चम कितना हुआ, पच्चीस। तो ये मान हमें बराबर प्राप्त नहीं हो रहे, तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों अनुपात जो है वो समान नहीं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, क्लियर है बात, आगे बढ़े। तो देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बेटा कंपटीशन अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो ना, कंपटीशन अगर पढ़ने के लिए जाते हो तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर आप ये चाहते हो ना कि हमारे पास नॉलेज बहुत है हम एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, तो कंपटीशन कभी ये नहीं कहता है कि नॉलेज से एग्जाम क्लियर होता है। कंपटीशन में नॉलेज और लॉजिक दोनों चलते हैं। जो बंदा नॉलेज और लॉजिक दोनों को लेकर के साथ है वो कंपटीशन में जिंदा है। अगर या तो केवल उसके पास लॉजिक है कि तुक्का ही लगा रहा है कि एक तरफ से बी 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 टिक कर दिया, एक तरफ से सी 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 टिक कर दिया, अगर उसके पास केवल लॉजिक ही लॉजिक है तो वो फ्लॉप है। अगर उसके पास केवल नॉलेज नॉलेज है तो भी वो फ्लॉप है। अगर लॉजिक और नॉलेज दोनों साथ हैं तभी वो सफल है कंपटीशन में, ये ध्यान रखना। बाद बाकी आप कितना मुझसे काम कराना चाहते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि मैं कितना कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इनपुट के साथ आउटपुट अच्छा देंगे, समझ रहे हो, तो मैं भी अपने आप में क्या होऊंगा, एक्साइटेड रहूंगा, मुझे भी खुशी होगी और मैं भी और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ से जा करके और जैसे आए पढ़ने के लिए और उसके बाद चले गए, फिर चाहने के बाद में फिर ऐसे ही आकर के बैठ गए, तो मुझे भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा, सभी टीचरों को हो जाता है। अगर आपके साथ टीचर जान लगा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसका सहयोग करें। अगर आप उसका सहयोग करते हैं तो आप भी वहाँ पर एक्साइटेड रहेंगे और पढ़ाने वाला भी रहेगा, आपकी भी उत्तेजना जागृत रहेंगी और पढ़ाने वाले की भी उत्तेजना जागृत रहेंगी। अगर दोनों में से किसी एक की उत्तेजनाएँ अगर कम हो जाती हैं तो ये बात बिल्कुल साफ है कि बात चलती नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आप घर पर मेहनत करें, हम आपको यहाँ पर मेहनत करा रहे हैं, समझ रहे हो, और देखते हैं फिर कि कौन सा टॉपिक ऐसा होता है कि जो हमको परेशान करता है, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं समानुपात के रूप में। बेटा तुमने नाम सुना होगा एक अनुपाती, जरा ध्यान से सुनना, अनुपाती। अनुपाती में आपने नाम सुना होगा प्रथमानुपाती, जरा ध्यान से देखें प्रथमा अनुपाती। आपने नाम सुना होगा जी द्वितीयानुपाती, क्या सुना होगा, द्वितीयानुपाती। आपने नाम सुना होगा जी तृतीयानुपाती। आपने नाम सुना होगा जी मध्यानुपाती। द्वितीय सही है, द्वितीय सही है, सही है। एक सेकंड, हाँ साहब खड़े हो जाओ। सही है, द्वितीयानुपाती। आपने सुना होगा बेटा मध्यानुपाती। आपने नाम सुना होगा तृतीयानुपाती। आपने नाम सुना होगा चतुर्थानुपाती। ये नाम आपने सुने होंगे कि जी प्रथमानुपाती बताइए इसका, द्वितीयानुपाती बताइए जी इसका, मध्यानुपाती बताइए जी इसका, तृतीयानुपाती बताइए इसका, चतुर्थानुपाती बताइए। तो मैं आपको इस अनुपाती की डेफिनेशन बता रहा हूँ, प्रथमा हो, द्वितीया हो, तृतीया हो, चतुर्था हो। अगर वो कहता है प्रथमानुपाती तो किन्हीं संख्याओं में किसी संख्या को प्रथम स्थान पर रखने पर अगर वह सभी संख्याओं के बीच में अनुपात आपस में क्या हो जाता है, समान, तो हम कहेंगे जी वह उनका क्या है, प्रथमानुपाती। यानी दो संख्याओं में एक तीसरी संख्या को प्रथम स्थान पर रखने पर वह संबंध जो है संख्या
वो समान अनुपात का अगर बनाने में कामयाब होती है तो वह उसका प्रथमानुपाती कहलाएगी। अगर द्वितीय अनुपाती है तो दूसरे स्थान पर रखने पर अगर वो समान अनुपात का संबंध बनाने में कामयाब होती है तो वो द्वितीय अनुपाती कहलाएगी। अगर बात करता है जी मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का मतलब हुआ जी मध्य में रखने पर अगर वो संबंध समान अनुपात का बनाने का रखती है तो वो मध्यानुपाती कहलाएगी। अगर तृतीयानुपाती की बात आती है तो तीसरे स्थान पर रखने पर वो संबंध जो है समान पात में बनाने का अगर अपनी काबिलियत रखती है तो वो तृतीयानुपाती कहलाएगी। और इसी तरीके से चतुर्थानुपाती चौथे स्थान पर रखने पर। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए जैसे हम यहां पर बात करते हैं अनुपाती के बारे में, जैसे कह दिया गया जी कि यदि ए कोमा बी का बोला गया कि प्रथमानुपाती एक्स हो, है ना, तो क्या हो, एक्स हो तो देखिए इसका रूप देखिए आप। अगर ए और बी का प्रथम अनुपाती एक्स है, इसे आप काम घर से करेंगे, यहां पर केवल मूवी देखें, पिक्चर देखें, स्टोरी आपका काम है घर से लिखना। ए बी का प्रथमानुपाती एक्स है तो प्रथमानुपाती है ए और बी का, तो ए और बी का प्रथमानुपाती है तो आपने प्रथम स्थान पर लिख लिया एक्स को। समझ रहे हो मेरी बात? प्रथमा बोल रहा है। अब इसका अगर आप सही रूप देखेंगे तो सही रूप कहेगा जी, पता है क्या कहेगा सही रूप, कि जो बीच में मान आया हुआ है वो पहले वाले के साथ बाद में संबंध बनाता है, क्योंकि अभी बताया था मैंने, यानी ए जो है एक्स के साथ में बाद में और बी के साथ में कब बनाएगा, पहले। आ रही है बात समझ में? और ये दोनों किस में हो जाएंगे, समान अनुपात में, और समान अनुपात में जब हो जाएंगे तो अंदर की गुणा अंदर और बाहर की गुणा, तो एक्स गुणा बी बराबर ए गुणा ए का मतलब ए स्क्वायर। तो बेटा एक्स बराबर आप कहेंगे जी ए स्क्वायर बटे बी। तो यहां पर आप देखेंगे जी क्या देखेंगे कि जी प्रथमानुपाती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रथमानुपाती बराबर ए क्या थी, पहली संख्या थी इन दोनों में से मानी गई, तो पहली संख्या का वर्ग बटे दूसरी संख्या। यानी अगर आपको कभी भी प्रथमानुपाती निकालना है तो आप ये सीधा हिट कर सकते हैं जी, पहली संख्या का वर्ग बटे दूसरी संख्या। जैसे हम बात करते हैं आपको कि जी बताइए 6,9 का, अब यहां पर बोला गया जी बताइए प्रथमानुपाती आपका क्या होगा, है ना, तो यहां पर 9 क्या है, दूसरी संख्या है, और 6 क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या का वर्ग बटे दूसरी संख्या, तो 6×36 बटे, तो आपका कितना आया, 4 आया। अब आपका 4 क्या आया, प्रथमानुपाती, तो हमने 4 को बेटा प्रथम स्थान पर रखा, 6 था ही 9 है, बीच वाले मान को पहले वाले के साथ बाद में और बाद वाले के साथ में पहले, और 6×36 मान बराबर प्राप्त हुआ तो हम क्या कहेंगे कि समान अनुपात बना दिया, तो ये इसका क्या होगा 6 और 9 का प्रथमा अनुपाती, क्या होगा प्रथमा। बात क्लियर। अब इसके बाद कि यदि ए बी का प्रथमा अनुपाती की जगह, यदि ए बी का प्रथमा अनुपाती की जगह बेटा बोल देता है आपसे, प्रथमानुपाती नहीं कहता है और प्रथमानुपाती की जगह कहता है जी बताइए द्वितीय अनुपाती, क्या बताइए, द्वितीय अनुपाती, ठीक है, या कह देता है मध्यानुपाती, या मध्यानुपाती क्या है, एक्स है तो लिखा हुआ है, ये क्या है एक्स है तो ए कोमा बी है द्वितीय नहीं चलेगा है, अब सही है, यदि ए कोमा बी का द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती कितना है एक्स है तो रूप द्वितीय अनुपाती या मैंने बोला है मध्य अनुपाती, तो एक बात बताइए कि ए और बी के बीच में दूसरे स्थान पर ऐसे रखेंगे तो एक्स यहां आएगा, तो ये दूसरे स्थान पर भी आएगा और मध्य में भी आएगा, तो जो द्वितीय अनुपाती होता है वो अपने आप में मध्य अनुपाती भी होता है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे जी इसका सही रूप क्या हुआ, तो ए के साथ में एक्स का बाद में संबंध और बी के साथ में पहले, तो अंदर की गुणा अंदर और बेटा बाहर की गुणा बाहर, तो एक्स गुणा एक्स बराबर कहेंगे एक्स स्क्वायर ए गुणा बी बराबर ए बी, तो एक्स बराबर अंडर रूट में कितना हो गया ए बी, तो हमारा ये क्या निकल के आया मध्यानुपाती, क्या आया मध्यानुपाती, तो बेटा मध्यानुपाती आया तो मध्यानुपाती में अंडर रूट में पहली संख्या ए थी दूसरी संख्या क्या थी बी, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल को उसका क्या कहते हैं मध्यानुपाती कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि 9,4 का जी मध्यानुपाती बताइए क्या होगा, तो बेटा 9,4 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका 9 और 4 है इनका गुणनफल करके क्या कर ले देना है वर्गमूल,
तो 9 और 4 का गुणनफल 36 और 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6। तो 9 और 4 का मध्य अनुपात 6 होगा। अगर आप इसे चेक करके देखेंगे तो 9 और 4 के मध्य में आप 6 को रखेंगे तो 9 के साथ में बाद में 6 और 4 के साथ में पहले 6 और 6 छिंग 36 और 9 चौक, तो इन्होंने क्या बना दिया, समान अनुपात बना दिया। तो जी हम कहेंगे ये इसका क्या हुआ, मध्य अनुपात। क्लियर बात, क्लियर है। अब इसके बाद में आता है जी कि बताइए यदि ए बी का तृतीय अनुपाती क्या हुआ, तृतीय अनुपाती कि जी ए बी का तृतीय अनुपाती क्या है, एक्स है तो अब यहां पर है तृतीय अनुपाती, तो जी रूप इसका क्या बन जाएगा, तीसरे स्थान पर रख दीजिए आप ए बी और तीसरे स्थान पर है। अब ये जो बीच में मान वो आया हुआ है पहले वाले के साथ बाद में और बाद वाले के साथ पहले, संबंध बनाते हो बीच में क्या हो गया, समान अनुपात, अंदर की गुणा अंदर और बाहर की गुणा। तो बेटा a गुणा x तो ये हो गया बराबर b गुणा b बराबर b स्क्वायर, तो x बराबर आपका क्या हुआ b स्क्वायर अपॉन a हुआ। अब यहां पर हमारा क्या है, ये b दूसरा मान था, a क्या है पहला मान है, तो हम यहां पर ये कह दें जी बताइए क्या तृतीय अनुपाती, तो आपका क्या कहना है जी तृतीय अनुपाती के लिए, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या है। जैसे कहने लगे हम क्या कहने लगे कि 9.6 का क्या बताइए तृतीय अनुपाती बताइए, तो 9.6 का तृतीय अनुपाती अगर आप निकालेंगे तो दूसरी संख्या 6 का वर्ग बटे 9, 36 बटे 9 बराबर बेटा कितना हो गया 4, तो तृतीय अनुपाती आपका 4 आया। आपको चेक कराते हैं 9.6 तीसरे नंबर पर रख दिया 4 को, तो 9 के साथ में 6 का संबंध पहले और 4 के साथ में क्या है, 9 के साथ में 6 का संबंध बाद में और 4 के साथ में क्या पहले, अंदर की गुणा अंदर और बाहर की बाहर, तो 6 छिंग 36 और 9 चौक, बात क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या तृतीय अनुपाती, क्या हो गया तृतीय अनुपाती। इसके बाद में बेटा नाम आता है चतुर्थानुपाती, क्या नाम आता है चतुर्थानुपाती, तो बेटा चतुर्थानुपाती नाम आता है तो जैसे बोल दिया गया कि जब चतुर्थानुपाती के बारे में बात कर रहा है तो वहां पर संख्या कितनी देगा आपको, 3। जैसे हमने बोला कि यदि a कोमा b कोमा c का चतुर्थानुपाती कितना है x है तो, x है तो रूप इसका बेटा क्या होगा, a b c और ये x चौथे नंबर पर। अब इसका सही रूप अगर आप निकालेंगे तो सही रूप के लिए a b ये तो सीधा ही सीधा बना रहा है, अंदर की गुणा अंदर बाहर की गुणा बाहर, a गुणा x बराबर b गुणा c, तो x बराबर बेटा b गुणा c बटे, तो बेटा ये चतुर्थानुपाती था या नहीं था, तो चतुर्थानुपाती के बारे में अगर हम बात करेंगे तो b दूसरी संख्या, c तीसरी संख्या और a क्या थी पहली संख्या, तो दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या किसके बराबर होती है चतुर्थानुपाती के। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं देखें, 10.20.5 का पूछा गया चतुर्थानुपाती जी क्या होगा, तो 10.20.5 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो जी दूसरी संख्या कितनी है 20, तीसरी संख्या कितनी है 5, पहली संख्या 10, 10 दूनी तो 2 पंजे कितना हो गया बेटा 10, तो इसका चतुर्थानुपाती कितना होगा 10। आपको चेक कराते हैं 10.20.5 चतुर्थानुपाती है चौथे स्थान पर, ठीक, तो यहां से आप देखेंगे क्या कि 20 पंजे 100 और 10 दाम कितना हो गया 100, तो समान अनुपात में हो गया या नहीं हो गया। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, बाद बाकी ध्यान रखें, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आपको ये सूचना मिलती रहे कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और हम अनुपात और समानुपात का कल जो है दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, मेरा कहना यही है, बाद बाकी काम आपका है कि आप हमसे कितना यूज ले सकते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके।